जिंदाबाद गर्मी हाथ रखियो कमान हाथ रखियो कमान भारत माता की जय। कटी उड़ो लड्डू देना फिर चलो हो गया पंच अमरजीत सिंह इतने बहुत ज़्यादा समस्या ही ड्रेन की बड़ी समस्या है नालियाँ की पानी गली खलो जाता है असी धन्यवाद करने सरपंच साहब का जिन्होंने बड़ी कोशिश तो बाद इस गली का जोड़ा काम शुरू कराया और ये गली बनने बहुत जनता को फायदा तो असी चाहते हैं कि जनता साढ़ा सहयोग करे अं आने वाले जिन्हें भी काम हैं सारे करा जिन्हिया भी गलियां ड्रेन वधिया तो वधिया काम करके देंगे तो मैं अपनी पूरी पंचायत का सारे आए इतने पंच जिन्हें भी हैं साढ़े सरपंच साहब का मैं बहुत धन्यवादी हाँ कि जिहड़ा इन्होंने बहुत वधिया काम कराया इतने और बहुत अच्छी जिहड़ी है ये गली तैयार हो रही है नहीं तो काफ़ी ज़्यादा इतने समस्या ही पानी जिहड़ा गली के बिच खलो जाता ही मैं फिर एक बारी सरपंच साहब का पूरी पंचायत का धन्यवाद करदा और लोगों के अपील करना कि जिन्हें भी जोड़े काम रह गए वो सारे ही करांगे कोविड करके कुछ काम रुक गए ही हूँ कोविड खत्म हो गया काम सारे आ गए असी पूरी पंचायत मिलकर पूरे पिंड का पूरी पंचायत का काम करांगे और काफ़ी फंड आए हैं साढ़े को बच्चों वास्ते प्ले ग्राउंड वास्ते 1,00,000 रुपया आया 4.5 लाख रुपया छप्पड़ वास्ते सारे काम जिन्हें भी पूरी पंचायत मिलकर करेगी जिन्हें भी पंच सरपंच हैं साढ़े सब वधिया काम कर रहे हैं मैं इन्हों का धन्यवाद और सरपंच साहब का धन्यवाद जिन्हें इन्होंने गली का जो काम शुरू कराया जे आज बहुत खुशी का मौका है जे ये गुरुद्वारा साहब वाली गली जो है आज बन रही है पहले हमने पंचायत घर के पीछे चार लाख 80 हज़ार की गली बनाई है ये दूसरी हमारी 5 लाख का प्रोजेक्ट है ठेकेदार काम कर रहा है और दूसरा आज बहुत बड़ी खुशी की बात ये है कि ये गली जो है 2004 में मैंने ही बनाई थी जब कि MP बाजवा साहब MP थे आज उसके बाद 2021 में फिर मैं ये गली बना रहा हूँ मेरे को भगवान ने वाहिगुरु ने ये ताकत दी है और ये मेरे को जोश दिया है उत्साह दिया है ताकि मैं इस गली को बना सकूं और फिर ये 2021 में ये गली दोबारा बन रही है 17 साल के बाद ये गली बन रही है। इस गली की बहुत ख़राब कंडीशन थी जब परसों बारिश हुई तो लोग बच्चे जा रहे थे मैं देख रहा था उनकी जराब बूट जो है और पजामे जो कपड़े पहने थे वो सब भीग गए थे इधर लोग कुछ बोल रहे थे हम मीडिया में देंगे ये करेंगे वो करेंगे मैं कहा आप एक दो दिन दो मेरे को जब ये 2 दिन के बाद काम नहीं चलेगा फिर आप जो मर्जी कर लेना। मैं ठेकेदार के साथ डिस्कशन किया ऊपर वाले अफसर एक्शन JE और वो JE और AW सारे अफसर आए उन्होंने हमारा सहयोग दिया मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जो कि गली का काम सिर्फ 185 फुट था मैं कहा मेरी गली बहुत बड़ी है लेकिन उन्होंने वो ठेकेदार के साथ मिलकर उन्होंने सारा बात किया है ये सेटल किया और ये गली आज बन रही है। हम कोशिश करेंगे जो नज़दीक वाली गली है साखे हैं जो वो भी कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी बनाने की लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट कर दूंगा लेकिन आप सारे प्यार से रहो एक दूसरे के साथ लड़ो मत जितनी भी गलियाँ हैं जितने भी मकान है कोई कच्चा नहीं रहेगा हमारी कमांड में और पक्के करेंगे सब कुछ क्योंकि इस गली के लोग हैं मेरे बुजुर्ग मेरे भाई मेरे साथ बीबियाँ
सबको मैं नमस्कार करता हूँ, सत श्रीकाल करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।